दीपक बावरिया प्रभारी हैं, वो भी मौजूद है। स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अजय माकन इसकी अगुवाई कर रहे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भी स्क्रीनिंग कमेटी की 4 राउंड की बैठकें हो चुकी हैं, नामों पर मंथन किया जा रहा है और चुनाव समिति की भी बैठकें लगातार हो रही हैं। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन इस बैठक की अगुवाई कर रहे हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लेकर प्रदेश अध्यक्ष उदय भान तक इस बैठक में मौजूद है। प्रभारी दीपक बावरिया भी इस बैठक में मौजूद हैं। चेहरों पर चिंतन मंथन किया जा रहा है। बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो कांग्रेस छोड़ छोड़ टिकट के आस में भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी रिस्क नहीं लेना चाहती है, सत्ता वापसी का सपना देख रही है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें भुनाने की कोशिश की जा रही है। अंतर कलह से भी कांग्रेस पार्टी को जूझना है। जो गुट बटे हुए हैं हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के, किस तरह से हर एक गुट को साध कर चला जाए। रवि हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि, स्क्रीनिंग कमेटी की एक बार फिर से बैठक हो रही है, इससे पहले 4 राउंड की बैठक हो चुकी है, 5वें राउंड की बैठक कहा जाए इसे? साफ तौर पर जैसा कि कल सीईसी की बैठक होती है, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कांग्रेस की, और देर शाम दीपक बावरिया का बयान भी आया कि जिस तरीके से अभी भी कुछ नामों पर पेट फंसा हुआ है, कुल मिलाकर 49 नामों पर बातचीत हो गई है, सहमति बन गई है, जिसमें से 34 नाम फाइनल है और उन 34 नामों में 22 सिटिंग विधायक हैं, जो कि साफ तौर पर जानकारी प्राप्त हो रही है। अब दोबारा इस कड़ी में कुछ चिंतन मंथन करना है, जहां पर पेच फंस रहा है उन चीजों को सुलझाना है, जिसको लेकर दोबारा स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हिमाचल भवन में पेच हो रही है। कहां फंस रहा है रवि, कहां है वो, कौन सा वो पेच है जो फंस रहा है, जिसकी वजह से नॉमिनेशन के 2 दिन पहले तक भी कांग्रेस अपने कुछ चुनिंदा नाम भी जारी नहीं कर पाई है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये तमाम बैठकों का दौर चल रहा है, तमाम ऐसे उम्मीदवार चुने जा रहे हैं जो कि जिताऊ उम्मीदवार हो, और राहुल गांधी जिस तरीके से तमाम बैठकों में अपनी भागीदारी अदा कर रहे हैं, कल की बैठक से जानकारी प्राप्त हुई है कि राहुल गांधी ने तमाम मुद्दों पर बातचीत की कि हमें साफ सुथरी छवि वाला कैंडिडेट चाहिए, कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं चाहिए जिसके ऊपर कोई केस है। जिस तरीके से कुछ करीबी विधायक हैं, सिटिंग एमएलए हैं जो कि हुड्डा के करीबी हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी हैं, और माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनको टिकट देना है या नहीं देना है, उनको लेकर विवाद चल रहा है। उन नामों में बात करें तो जी रवि, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे बगावत भी तो बहुत ज्यादा होती जा रही है। बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो कांग्रेस छोड़ छोड़ के भाजपा में शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल, ऐसे कई चेहरे हैं जो बगावत का सामना करना पड़ रहा है पार्टी के अंदर। तमाम मतभेद, मनमुटाव की जो खबरें आ रही हैं, तमाम जो बड़े नेता वो चाहते हैं कि उनके जो उम्मीदवार हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनको उम्मीदवार बनाया जाए, और कहीं ना कहीं यही बातों को लेकर थोड़े विवाद चल रहा है। मगर जल्द ही, जैसा कि दीपक बावरिया ने बताया कि जल्द ही घोषणा हो जाएगी टिकटों की, कल तक का इंतजार करें, तमाम नामों की सूची एक साथ जारी करने वाली है। आज की इस बैठक में, जो अभी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हिमाचल भवन में चल रही है, इस बैठक में तमाम चीजों पर बातचीत करके सुलझा लिया जाएगा, और शाम को जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है कांग्रेस मुख्यालय में, तो तमाम चीजों पर बातचीत होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार बातचीत हो रही है, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक लगातार हो रही है, और बैठकें शायद इसलिए भी ज्यादा हो रही हैं क्योंकि अगर थोड़ा सा पीछे चल के लोकसभा चुनावों को समझा जाए तो उस दौरान बार बार ये बात कही जा रही थी कि अगर टिकट का बंटवारा कांग्रेस पार्टी ने सही तरह से किया होता तो शायद 5 की बजाय 7 से 8 सीटें लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी खींच सकती थी। ये कांग्रेस पार्टी के अंदर पर्सपेक्टिव बना हुआ है, तो शायद यही कारण है कि चेहरों को लेकर कांग्रेस पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है और हर एक सीट पर, हर एक चेहरे पर